तो ये मिला के 120 हो गया। ट्राइंगल का टोटल तो कितना होता है, 180 होता है ना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 30, मतलब जो थीटा लिखा है ना, ये दोनों कितना हो जाएगा, 30 और 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आई स्ट्रेटजी ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 68 एपिसोड में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है जेई मेन 2018 का मैथ्स वाले सेक्शन से, ठीक है ना। ये दो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आपके पास में कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह से है, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में क्या, हाइट एंड डिस्टेंस से है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम लोग अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड से, जुगाड़ू मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप आंसर तक या उसके पास पहुंचना चाहते हो और आपको एक्चुअल तरीका ढंग से नहीं समझ में आ रहा है इसको सॉल्व करने का, तो भी हम लोग कैसे एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते यार, यहां जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है बैग कंटेन्स फोर रेड, चार आपके पास में रेड है और छह आपके पास में क्या है, ब्लैक बॉल्स है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब देखो, हो सकता है कि आपको प्रोबेबिलिटी एकदम नहीं आती हो। आप क्या करोगे एग्जाम में, आप सोचोगे यार प्रोबेबिलिटी तो बहुत टफ चैप्टर है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ चैप्टर है, मैं उसको देखूंगा ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप पढ़ो उसको, ठीक है ना। उतनी हाई फाई प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बस आपका फील कॉन्फिडेंस बहुत होता है इन क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो ओरली उड़ा देंगे। कैसे, देखो अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इस बैग से ना एक बॉल हमने ड्रॉ किया रैंडम, ठीक है ना। हार मत मानो, पूरा पढ़ो। इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस बॉल अलॉन्ग विद टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर रिटर्न टू द बैग। क्या बोल रहा है, कलर को पहले ऑब्जर्व किया और फिर उस बॉल को उसके साथ में और दो बॉल, टू एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, मतलब कि अगर ब्लैक उठाया ना हमने, मान लो छह ब्लैक थे चार रेड था, एक ब्लैक उठा लिया हमने, तो एक ब्लैक को वापस रखा और उसके साथ में दो ब्लैक और डाल दिया अपने मर्जी से, बाहर से अंदर डाल दिया। क्लियर हो रहा है? अगर रेड हमने निकाला ना, तो चार रेड थे, एक निकाला तो तीन रेड बच गए। अब हमने क्या किया, एक रेड तो डाल ही डाला, साथ में दो और रेड डाल दिया, मतलब जो कलर हमने बाहर निकाला उसी कलर के दो और एडिशनल हमने डाल दिए। तो क्या बोल रहा है, कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड दिस बॉल अलॉन्ग विद टू एडिशनल ऑफ द सेम कलर आर रिटर्न टू द बैग। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, ये काम पूरा करने के बाद, इफ नाउ अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल इज रेड। मतलब कि ये काम करने के बाद में अगर हम एक बॉल निकालते हैं तो वो बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब कि फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, चार हमारे पास में रेड थे, छह हमारे पास में ब्लैक था, हमने क्या किया, पहले कुछ एक उठाया, हमको पता नहीं अब वो रेड भी आ सकता है ब्लैक भी आ सकता है, रेड आया तो हमने जो उठाया वो रेड डाला, साथ में दो और रेड डाल दिया, ठीक है। या फिर अगर ब्लैक उठाया तो ब्लैक जो डाला, उठाया उसको डाला और साथ में दो ब्लैक और डाल दिया। अब ये काम करने के बाद में फिर से हम एक बॉल उठा रहे हैं, तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड हो, ठीक है। ओरली सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं लगेगा इसमें, सोचो, सोच के देखो। अगर हमारे पास में पहले जब हम उठाते हैं तो मान लो हमारे पास में रेड उठ जाता है, अगर रेड उठ जाता है तो फिर बाद में रेड की क्वांटिटी क्या हुई, छह हो गई ना, चार था एक उठाया तो तीन हो गया, फिर हमने एक डाला चार हो गया, दो और एडिशनल डाला तो छह हो गया। तो पहले केस में हमारा छह रेड बनता है और छह ब्लैक बनता है, ठीक है। दूसरा केस देखो, मान लो पहले ब्लैक उठ जाता, तो ब्लैक उठ जाता तो क्या बनता, रेड तो चार का चार ही रहता और ब्लैक कितना हो जाता, आठ हो जाता, क्योंकि छह था एक उठाया तो पांच हो गया, फिर हमने एक डाला तो छह हो गया और दो एडिशनल डाला तो आठ हो गया। तो ये हमारे पास में दूसरा केस बना। पहले केस में अगर ऐसा होता तो हमारे पास में रेड निकलने की फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती, 1/2 की, क्योंकि रेड जितना है ब्लैक भी तो उतना ही है ना, तो 1/2 का हो जाएगा। और अगर ये होता हमारे पास में तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती, 1/3 की, क्योंकि 4 out of 12 हो जाता है उस टाइम पे, टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, 12 हैं और रेड कितना है, 4 है, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा, इन दोनों के बीच का कहीं पे, ठीक है ना, एग्जैक्टली बीच का नहीं, कहीं बीच का। समझ में आ रही बात? क्योंकि देखो, अगर ये हो तो 1/2 होता है, अगर ये हो तो 1/3 होता है, मतलब मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 की है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 की है, बट हमको तो पता नहीं ना कि पहले ब्लैक आएगा या पहले रेड आएगा। तो एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, दोनों के कहीं बीच पर हो गया। वो मैथमेटिक्स वगैरह जिन लोगों ने पढ़ाई की है वो लोग सॉल्व करेंगे, हमने तो इतनी पढ़ाई नहीं करी है, फिर भी हमको एग्जाम में हार नहीं मानना, हमको आंसर तक पहुंचना है या उसके पास पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का वैल्यू ऑप्शन में खोजेंगे, तो 1/2 मतलब कि 50%, 1/3 मतलब कि 33.33%, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो 2/5 क्या है, 2/5 इज 40%, ठीक है ना। 1/5 क्या है हमारे पास में, 1/5 देखो इससे भी छोटा है तो ये कैंसिल आउट हो गया। 3/4 क्या है हमारे पास में, 75%, तो ये इससे भी बड़ा हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है।
थ्री बाई टेन क्या हमारे पास में 30%, तो इससे भी छोटा हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 2/5 बचा। 2/5 इज द ओनली वैल्यू जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब हमारा मैक्सिमम क्या है पॉसिबल 1/2 है, मिनिमम क्या है पॉसिबल 1/3 है, लेकिन हमको तो पता नहीं ना कि पहले ब्लैक आएगा रेड आएगा, तो हमको क्या करना है दोनों के बीच में, वो मैथमेटिक्स लगता है। ठीक है ना, अब आपने नहीं पढ़ाई करी है, मैं अज्यूम करके ट्रिक्स बना रहा हूं, तो क्या होगा दोनों के बीच का कुछ वैल्यू आने वाला है, फील करके सोच लो। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास में, दोनों के बीच का वैल्यू क्या है 33 मिनिमम, मैक्सिमम 50, उसके बीच में एक ही वैल्यू आ रहा है हमारे पास में 40, बाकी सब क्या है ये 1/5 क्या होता है 20%, ये क्या होता है 75%, ये क्या होता है 30%, ये तीनों हमारे पास में क्या है इनके बीच में नहीं है, इनके बाहर है, तो यही एक वैल्यू है जो हमारा करेक्ट निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है आपको, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगुलर पार्क विथ पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 200। ठीक है, ये देखो भैया, अब ये जो क्वेश्चन है ना, मान लो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे पता है, ऑप्शंस में से चेक करेंगे, आपको मैं भी दिखाता हूं कैसे। पहले तो डायग्राम बनाओ, पी क्यू इक्वल टू पी आर इक्वल टू 200, ये लो भैया, इसको ले लो आप पी, ये इसको ले लो आप भैया क्यू, ये इसको ले लो आप भैया आर, और इन दोनों को आप क्या ले लो 200 200, ये 200 200। ठीक है, क्यू आर को आप ज्वाइन कर लो तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है, क्यू आर के मिड पॉइंट में, क्यू आर का ये लो भैया मिड पॉइंट को एम बोल दिया, क्या है एक टावर खड़ा है, एक टावर खड़ा है, तो टावर कैसे खड़ा है, ये ऐसे टावर खड़ा है। ठीक है ना, ये पेन को मैं टावर बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर तीनों से जो एंगल बन रहा है टावर का वो है 45 30 और 30, मतलब कि पी से जो एंगल बन रहा है इस टावर का, मान लो ये हमारे पास में टावर है, ये टावर है, और ये पी से जो एंगल बन रहा है टावर के टॉप का, ये जो एंगल बन रहा है टावर के टॉप का, ये कितना है 45 डिग्री है, मतलब कि टावर का जो लेंथ होगा वही लेंथ हमारा इसका हो जाएगा, क्योंकि टैन 45 तो 1 होता है ना, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, समझ में आ रही है बात, थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करो। ठीक है, ये ऐसा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये इस तरीके का, ठीक है ना, 3D में सोच के देखो, तो ये एंगल बोल रहा है 45 डिग्री है, तो ये जो हाइट है ना दैट विल बी इक्वल टू ये बेस। ठीक है, और क्या बोल रहा है, ये एंगल बोल रहा है आपको 30 डिग्री, और ये वाला एंगल भी आपको बोल रहा है 30 डिग्री, मतलब कि ये आपके पास में टावर है, और P पॉइंट से 45, R से आपका 30, और Q से आपका 30। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, टावर की हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द टावर आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो इसमें आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हो, जैसे कि आप 60 60 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों को मान सकते हो। ठीक है ना, आपको नहीं पता एक्चुअल में क्या है, इक्विलैटरल है या क्या है, समझ में आ रही बात, आपको ये एंगल नहीं पता, ये जो थीटा है ना आपको, ये थीटा आपको नहीं पता, आपको जो थीटा पता है वो क्या पता है, ये वाला थीटा आपको पता है 3D में, ये वाला आपको थीटा पता है, बट आपको ये 2D वाला थीटा आपको नहीं पता है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप कर सकते हो सीधे तरीके से करो, वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या है जुगाड़ मेथड है। जुगाड़ मेथड में क्या होगा, हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे, 100 बैठा के देखेंगे, फिर 50 बैठा के देखेंगे कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है नहीं कंडीशन, वो भी कैसे होगा। देखो मान लो 100 हमारा आंसर है, ठीक है, तो अगर ये 100 है हमारा टावर, तो हमारा ये पीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 100 हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है, ये भी हमारा 100 हो जाएगा, अगर हमारा इफ हमारा आंसर इज 100 देन दिस इज 100 देन हमारा पीएम इज ऑल्सो 100 क्योंकि हमारा पी से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है 45 डिग्री, और टैन 45 डिग्री हमारा कितना होता है 1, तो परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 1, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस, तो वही चीज हमारा ये 100 हो जाएगा अगर हमारा टावर 100 है तो, करेक्ट है। ये निकलने के बाद इससे एडवांटेज क्या होगा, इससे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, कैसे क्या कर लो, साइन थीटा साइन कंपोनेंट ले लो, ठीक है ना, ऐसा कर लो, चलो इसको इसको अल्फा मान लो, ठीक है ना, तो इसको अगर अल्फा मान लिया हमने तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा, चलो कॉस अल्फा इक्वल टू ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास में, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 100 और हाइपोटेन्यूज कितना है 200, तो हमारा ये कितना हो गया कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 आ गया, मतलब कि अल्फा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अगर 100 आंसर है तो ये हमारा 100 है और अल्फा हमारा उस केस में 60 है, अल्फा 60 है तो हमारा ये कितना है 60 है, तो ये मिला के 120 हो गया, ट्राइंगल का टोटल तो कितना होता है 180 होता है ना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, तो ये कितना हो जाएगा 30 और 30, मतलब जो थीटा लिखा है ना ये दोनों कितना हो जाएगा 30 और 30 हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात, तो अगर ये 30 हो गया तो 200 का कंपोनेंट यहां निकालो, इसका कंपोनेंट यहां निकालो, क्या हो जाएगा 200 cos 30, ठीक है ना, ये बेस, अब ये वाला ट्रायंगल में देखो 200 हाइपोटेन्यूस है और बेस हमारा x मान लो, इसको x मान लो, तो x कितना हो जाएगा 200 cos 30, तो 200 cos 30 कितना होता पता है 200 into
रूट थ्री बाई टू मतलब कि 100√3, तो ये कितना हो गया हमारा x, 100√3 आ गया, x 100√3 आ गया, और हाइट हमको कितना है 100 हमने अज्यूम करके रखा है। अब हम यहां पर चेक करेंगे कि ये 30 डिग्री सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर ये 30 डिग्री सेटिस्फाई हो रहा है तो यही करेक्ट आंसर है, अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। करेक्ट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा मेहनत कर लो। तो ये हमारा 100 है, ठीक है, और ये हमारा कितना है 100√3, तो ये एंगल कैसे निकालोगे आप, टैन थीटा से, ठीक है ना, टैन ऑफ द एंगल वेयर दिस इज द एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 100 है और बेस जो कि 100√3 है, और ये आ रहा है कितना 1/√3, और 1/√3 किसके लिए होता है, टैन 30 डिग्री के लिए तो होता है, और वही तो यहां पर दिया 30 डिग्री, और यहां 30 है सिमेट्री से, यहां पर भी 30 आएगा क्योंकि ये शेप तो हमारा पूरा सिमेट्रिकल है, ये 200 है, ये 200 है, तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो ये 30 है, तो ये भी हमारा 30 है। समझ में आ रहा है बात, हमारा 100 यहां पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, समझ में आ रहा है। मान लो 100√3 हम लोग चेक करते हैं, मान लो 100√3 चेक करते हैं, तो सेम डायग्राम मैं वापस एक बार बनाता हूं। तो अगर हमारे पास में 100√3 अगर होता ना ये, तो उस केस में हमारा ये भी कितना आता, 100√3 आता, 100√3 ये पी है हमारा, ये क्यू है हमारा, आर है, ये 100√3 आता, ये तो 200 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये एंगल उस टाइम में कितना आ जाता, 200 cos theta इक्वल टू 100√3, तो हमारा आता cos theta √3/2, मतलब कि आता हमारा 30 डिग्री, ठीक है ना, ये 30 डिग्री आता हमारे पास में, तो ये 30, तो ये भी 30 सिमेट्री से, तो ये पूरा कितना हो गया 60 हो गया, तो ये 60 हो गया, तो ये भी 60, और फिर ये भी 60, क्योंकि तीनों ऐड करके तो 180 बनेगा ना, क्लियर है। अब ये 60 होगा तो ये 200 है, तो इसका cos component यहाँ ये 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा सिमेट्री से, ठीक है। अब ये कितना हमारे पास में 100√3 और ये कितना हमारे पास में 100, तो यहां पर जो हम लोग वापस से लगाएंगे ना, ये जब वापस से लगाएंगे ना यहाँ पे हम लोग tan, तो ये जब tan लगाएंगे तो यहाँ पर tan कितना आएगा पता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 100√3 अपॉन बेस कितना है 100 तो ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। √3 किसके लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है, लेकिन यहां तो 30 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया। ऐसी जब आप करोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, या तो वैल्यूज ही नहीं आएगा बहुत, जैसे यहाँ पे 30-60 आ गया ना, तो ये 50-50√2 में ना, तो आपको ढंग से वैल्यूज ही नहीं मिलेंगे, तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, आगे ना cos theta 1/4 वगैरह ऐसा कुछ आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 100 करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो कुछ भी नहीं किया, हमने देखा कि भैया जब एक केस बनेगा तो 1/2 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, दूसरे में 1/3 है, तो आंसर हमारा दोनों के बीच में आना चाहिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि ये होगा या ये होगा, तो दोनों के बीच वाला आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, फील करके हमने सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक ऑप्शन को बैठा बैठा के हम लोग देखेंगे कि भैया कौन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग डायग्राम बनाए 200 200, फिर हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में टावर है, इसके हिसाब से ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये हमका लेंथ मिल गया यहाँ का, फिर हमको ये एंगल मिलेगा, ये टोटल एंगल मिलेगा, फिर 180 से माइनस वगैरह करके आइसोसेलस का कंडीशन वगैरह लगा सिमेट्री से हम लोग देखेंगे ये दोनों एंगल कितना है, फिर इससे हम लोग कॉम्प्लेंट निकाल के ये लेंथ निकालेंगे, और फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये टावर है, ये हमारे पास में क्या होगा, ये टेढ़ा वाला जो यहां पर बन रहा है इस तरीके से 3D में, इसमें हम लोग देखेंगे कि एंगल कितना आ रहा है, वो एंगल अगर हमारा 30 से मैच कर रहा है तो वही हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा, जो कि हमारा 100 वाले केस में निकल के आ रहा है, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा, अगर आपने कुछ सीखा है वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बने रहिए।